गरीब मजदूर का लड़का कैसे बना भारत का नंबर वन ब्लॉगर, कैसे बने सौरभ जोशी इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर, उनकी इनकम कितनी है, वो महीने में कितने कमाते हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी हर रोचक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो आपने ब्लॉग्स के बारे में जरूर सुना होगा और आपको ब्लॉग्स देखना पसंद भी होगा। तो आज हम जिस यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले हैं, उनका यूट्यूब चैनल इंडिया का सबसे तेज ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं सौरभ जोशी कौन है, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया आदि से रिलेटेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सौरभ जोशी कौन है? सौरभ जोशी उत्तराखंड के रहने वाले एक ड्राइंग आर्टिस्ट, यूट्यूबर और ब्लॉगर हैं, जो कि यूट्यूब पर अपने दैनिक जीवन और लाइफ स्टाइल से संबंधित ब्लॉग वीडियोज बनाते हैं। इसके साथ सौरभ जोशी एक बहुत ही उम्दा कलाकार भी हैं। वे बहुत अच्छी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी काफी लोकप्रियता है। अकेले इंस्टाग्राम पर 383,000 से फॉलोवर्स के साथ वह यूट्यूब इंडिया के सबसे अमीर वायरल ब्लॉगर्स में से एक हैं। पीयूष जोशी कौन है? पीयूष जोशी सौरभ जोशी का छोटा भाई है। हम आपको यहाँ बता देते हैं कि पीयूष सौरभ का सगा भाई नहीं है, पीयूष सौरभ जोशी के चाचा का लड़का है। सौरभ जोशी ब्लॉग्स में सबसे अहम किरदार पीयूष का ही है। सौरभ जोशी प्रारंभिक जीवन और करियर। सौरभ जोशी का जन्म 8 सितंबर 1999 को उत्तराखंड भारत में हुआ था। सौरभ जोशी एक सामान्य परिवार में रहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड में अपनी शिक्षा पूरी की। पेशे से वह एक यूट्यूबर हैं। अब वे ब्लॉग्स वीडियो के लिए प्रसिद्ध हैं। वह अपने चाचा के बेटे पीयूष जोशी और सगे भाई साहिल जोशी के साथ रहते हैं। सौरभ जोशी का परिवार। सौरभ जोशी अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों साहिल जोशी और पीयूष जोशी के साथ रहते हैं। सौरभ की माता का नाम हेमा जोशी है। सौरभ के साथ उनकी दादी भी है। सौरभ के परिवार में उनके चाचा और चाची भी शामिल हैं, जो गांव में रहते हैं। सौरभ जोशी के परिवार में एक डॉग भी है, जिसका नाम उसके परिवार ने ओरियो रखा है, और वह अपने परिवार के सदस्य की तरह ही है। पीयूष भी सौरभ का भाई नहीं है, वह अपने चाचा का बेटा है, जो सौरभ जोशी के साथ देहरादून में रहता है। दोस्तों, सबको जानने की यह इच्छा होती है कि आखिर सौरभ जोशी एक महीने में कितना कमाते हैं, उनकी नेटवर्थ कितनी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सौरभ जोशी के यूट्यूब चैनल को देखकर कहा जा सकता है कि उनकी यूट्यूब से अब तक कुल कमाई करीब 5 करोड़ है। सौरभ जोशी यूट्यूब से हर महीने 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। सौरभ जोशी की कुल संपत्ति के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। सौरभ जोशी कार और बाइक कलेक्शन। सौरभ जोशी ने हाल में एक नई कार खरीदी है, जो कि टोयोटा कंपनी की इनोवा क्रिस्टा है, जिसकी इंडिया में कीमत लगभग 23 लाख रुपए है। अगर बात करें इनकी बाइक कलेक्शन की, तो फिलहाल इनके पास 2 बाइक हैं, एक हीरो एचएफ डिलक्स और दूसरा केटीएम ड्यूक। सौरभ जोशी का यूट्यूब जर्नी। सौरभ जोशी ड्राइंग करना बचपन से ही पसंद करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने 12वीं पास करने के बाद ड्राइंग में ही कुछ बड़ा करने की सोचा और वह खुद से ही प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन ड्राइंग में लगातार मेहनत करने के बावजूद भी इन्हें कोई सफलता नहीं मिली, और इसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर अपना हुनर दिखाना चाहा। सौरभ को यूट्यूब पर अपने ड्राइंग का हुनर दिखाने का आइडिया उनके छोटे भाई साहिल जोशी ने दिया था। इसके बाद सौरभ ने अपने ड्राइंग आर्ट का चैनल शुरू किया, जिसका नाम सौरभ जोशी आर्ट्स है। शुरुआत में तो सौरभ जोशी को
कुछ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन 150 से 200 वीडियो अपलोड करने के बाद इनके वीडियोस पर अच्छे खासे व्यू जाने लगे और फेमस होने लगे, जिससे यह अच्छी खासी कमाई करने लगे और अपने परिवार को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने लगे। लेकिन दोस्तों, सफलता तो अभी सौरभ जोशी का इंतजार कर रही थी। 19 फरवरी 2019 यह सौरभ जोशी के लिए वो दिन था जब उनकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि उसी दिन सौरभ ने अपना दूसरा YouTube चैनल सौरभ जोशी ब्लॉग शुरू किया था। उनका पहला वीडियो 20 फरवरी 2019 को अपलोड किया गया था, जिसका टाइटल था हाउ आई ड्रॉ MS धोनी। इसके बाद उन्होंने कई वीडियोज अपलोड किए, लेकिन अभी तक उनके वीडियोज पे व्यू नहीं आते थे। जब कोरोना वायरस इंडिया में फैला और लॉकडाउन लगा तो लोग कहीं बाहर निकल नहीं सकते थे और आ जा नहीं सकते थे। तब सौरभ के दिमाग में डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाने का आइडिया आया और इन्होंने चैलेंज लिया कि वो अपनी चैनल पर 365 दिन में 365 वीडियो अपलोड करेंगे। उन्होंने जब शुरू किया तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनका चैनल इतनी ऊंचाइयां छू लेगा। आज सौरभ जोशी ब्लॉग्स के 58 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनके सभी वीडियो पे 30 से 35 लाख व्यूज आते हैं। और सौरभ जोशी आर्ट्स के 17 लाख सब्सक्राइबर हैं और आज भी रोज सौरभ एक वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में जानकारी जान के? आखिरी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको यह जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।